परमाणु के स्वीट इंडस्ट्री में चार व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव आ चुके हैं, जिसमें से दो व्यक्ति परमाणु और एक कालका का कोरोना पॉजिटिव है, तो चौथा कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति कसौली का है। ये संक्रमण ना फैले इसलिए परमाणु का कुछ क्षेत्र सील किया गया है, वहीं कसौली से संदिग्ध होम क्वारंटीन है। परमाणु का कुछ क्षेत्र कंटेनमेंट जोन घोषित किया जा चुका है। इस क्षेत्र में आवाजाही बिल्कुल बंद है। आवश्यक खाद्य सामग्री की ऑनलाइन डिलीवरी की जा रही है। स्वास्थ्य विभाग उन लोगों की सूची बना रहा है जो संक्रमित लोगों के संपर्क में आ चुके हैं, उन्हें आइसोलेट कर उनका अब कोरोना टेस्ट करवाया जाएगा। ये जानकारी जिला स्वास्थ्य अधिकारी एनके गुप्ता ने दी। कसौली का एक व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव आने से वहां दहशत का माहौल देखा जा रहा है। अधिक जानकारी देते हुए जिला स्वास्थ्य अधिकारी एनके गुप्ता ने बताया कि कसौली का एक व्यक्ति जो कोरोना पॉजिटिव आया है, वह परमाणु की स्वीट इंडस्ट्री में काम करता है। इसी इंडस्ट्री के चार लोग पहले ही कोरोना पॉजिटिव आ चुके हैं। उन्होंने बताया कि कसौली का व्यक्ति रोज अपने घर से स्वीट इंडस्ट्री परमाणु में आया जाया करता था, इसलिए इस व्यक्ति के परिवार के लोग और इसके दोस्त जो इसके सीधे संपर्क में थे, उन्हें आइसोलेट कर दिया गया है। इन सभी के कोरोना टेस्ट करवाए जा रहे हैं। उन्होंने ये भी बताया कि इस इंडस्ट्री में काम करने वाले करीबन 70 लोगों की सैंपलिंग की जा चुकी है। उन्होंने बताया कि अब कोरोना संक्रमित लोगों के संपर्क में आने वाले सेकेंडरी लोगों के भी टेस्ट करवाए जाएंगे, जिसके लिए विभागीय कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। सबसे पहले तो एक हमारे स्टाफ नर्स थी जो कि पंचकुला में काम करती थी, वो पॉजिटिव आई। उसके साथ ही जब हमने कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग स्टार्ट करी तो उसमें जो उसके हस्बैंड थे पहले, जो एक फैक्ट्री में परमाणु में काम करते थे, वो पॉजिटिव आए। उसके साथ साथ ही जो फैक्ट्री से कुछ लोगों के हमने सैंपल्स उठाए तो उनमें से कुछ दो लोग पॉजिटिव आए। वो दो लोग, उनमें से एक जो आदमी है वो कसौली के पास रहता था, दूसरा लोकल परमाणु में ही रहता था। तो इनके साथ साथ और कॉन्टैक्ट जब ट्रेस किए गए तो पता लगा कि एक इनका जो कैशियर था वो कालका में भी पॉजिटिव आया है, और उस जो कैशियर की जो हिस्ट्री है वो ट्रैवल हिस्ट्री सामने आई है। वो बॉम्बे से शायद आया था, उसके बाद वो कालका से अप डाउन कर रहा था फैक्ट्री के लिए। तो मोस्ट प्रोबेबली जो फोकस इन्फेक्शन का लगता है कि वो उसी से लग रहा है, और इसको देखते हुए हमने फैक्ट्री को सील किया है। सेक्टर एक में जो जिस एरिया में वो स्टाफ नर्स रहती थी, उसका एरिया को सील किया गया है, और वहाँ से हमने उसके सेकेंडरी जो कॉन्टैक्ट थे उनकी सैम्पलिंग स्टार्ट की है। और उसके साथ साथ ही हमने अपने जो इसके कसौली के पास जो एक इसका कॉन्टैक्ट पॉजिटिव आया उसके सैम्पलिंग स्टार्ट की है। उसके जो कॉन्टैक्ट हैं उनकी सैम्पलिंग हो रही है, और फैक्ट्री के जितने भी लोग हैं और फैक्ट्री के साथ लगते हुए लोग जो कि फैक्ट्री के साथ रिलेटेड रहे हैं, उनकी सैम्पलिंग की गई है। अभी तक इसकी कॉन्टैक्ट की ट्रेसिंग कंटिन्यू है, क्योंकि एक के बाद दूसरा कोई ना कोई पॉजिटिव निकल रहा है बीच में से। तो अभी तक टोटल जो हम कर चुके हैं उसमें मोर देन 70 लोगों की सैम्पलिंग की जा चुकी है। क्या ये डेली अप डाउन करता था? कैसे अप डाउन करता था ये? हाँ, ये अप डाउन करता था, फैक्ट्री में जा रहा था रूटीन में, मगर जिस दिन से वो इसका जो फ्रेंड जो फैक्ट्री वाला पॉजिटिव आया था, उस दिन के बाद ये नहीं गया था। ये होम क्वारंटाइन था सैंपलिंग के टाइम। इसको चार दिन हो चुके थे जब इसकी सैंपलिंग की गई है, मगर इसकी फैमिली के कुछ लोग हैं जो इसके डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में, एक दो जो लोग बाहर के भी हैं, फ्रेंड्स हैं इसके जो इसके डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में हैं।